नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस रिकॉर्डर, जो कि विंडोज़ का है और फ्री भी है। जैसे हम मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी तरह हम आज विंडोज़ के लैपटॉप में और डेस्कटॉप में कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डर कैसे ऑन करना है, कैसे क्लोज करना है, इसका क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वॉइस रिकॉर्डर कैसे ओपन कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर ओपन करने के लिए आपके पास में टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वॉइस रिकॉर्डर ओपन करना है, ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉइस रिकॉर्डर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप इसको मिनिमाइज करके देखिए वॉइस रिकॉर्डर। उसके बाद में ये वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल आर की शॉर्टकट बटन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में ये तीन डॉट्स जो कि सी मोर इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ये लाइसेंस टर्म्स एंड एग्रीमेंट एंड स्टेटमेंट है। उसके बाद में फीडबैक सेंड कर सकते हैं और माइक्रोफोन की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन यहाँ पे है, अभी इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से वॉइस रिकॉर्डर का इंटरफेस है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको वीडियो या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ विंडो जो बटन है घंटे की, उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे चैनल पे बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप उन्हें देखने का आनंद लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आगे का पॉइंट। तो हम इस पॉइंट पे थे कि इसको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है दोस्तों। जैसे ही हम जैसे जैसे बात करेंगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अभी हमारी 7-8 सेकंड की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी हम समझ लीजिए कुछ हमें काम आया और हम इसे इसी ऑडियो में स्टॉप करके बाद में 2-3 सेकंड या 5-10 मिनट पे रिकॉर्ड करना है, तो अभी आप इसको पॉज कर सकते हैं। ये जो पॉज का रिकॉर्डिंग है, ये पॉज करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा। अभी 23 सेकंड पे ये पॉज हो चुका है। अभी हम मान लीजिए हमने 1-2 मिनट का ब्रेक लिया और फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आप इसको स्टॉप करेंगे और ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाएगा। अभी मान लेते हैं हमें इसको क्लोज ही करना है, हमारा रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो आप इसको स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा 34 सेकंड का हमारा जो ऑडियो है वो तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद में आपकी जो रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगी और यहाँ से हम इसको प्ले कर सकेंगे। अभी हमने जो रिकॉर्ड किया था वो हम यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। आप इसमें ध्यान दीजिए कि वीडियो ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी है दोस्तों। अभी हम मान लेते हैं कि हमसे ये ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है तो हम इसे कट भी कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे, ट्रिम करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हमें कट करना है ये हम जान लेते हैं। यहाँ से हमें यहाँ से कट करना है और यहाँ पे सेव बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपडेट ओरिजिनल में क्लिक करने के बाद में जो हमारे 35 सेकेंड की वीडियो है ये छोटी हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो छोटी हो जाएंगी वही वीडियो रहेंगी, हमारी मेन वीडियो नहीं रहेंगी। तो अगर सेव या कॉपी कर क्लिक करेंगे तो अगली वीडियो नहीं बन जाएगी। तो अब हाँ अपडेट में क्लिक कर देते हैं तो हमारी वीडियो 15 सेकंड की बन चुकी है दोस्तों। अभी हम इसको शेयर कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। हमारी फाइल का नाम अभी हमने दिया नहीं है तो हम इसको रीनेम करके देख लेते हैं। रीनेम बता देता हूँ, जो हमने अभी बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग लिया अभी हम इसको नया नाम देते हैं ज्ञान, ठीक है, सेक्शन। ज्ञान सेक्शन हमारा जो नाम है ये फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है, आप इसे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी अबाउट सेक्शन में दिए हुए हैं। तो ये हमने रीनेम कर दिया। देखिए अब रीनेम करने के बाद में ऊपर ज्ञान सेक्शन नाम आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप
इसमें वर्क कर सकते हैं और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम डिलीट करके बता देते हैं डिलीट, तो ये डिलीट हो चुका है। तो आप इसका यूज करके आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियो में बैकग्राउंड के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बेहतरीन फ्री टू यूज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ऐप है, आप इसे यूज करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।